आज से 14,000 साल पहले नॉर्थ अमेरिका की धरती पर एक ऐसा समय था जब बर्फ की मोटी मोटी परतें पिघलने लगती हैं, जिसके कारण बड़े बड़े पेड़ घासे फिर से उगने लगते हैं और हर तरफ हरियाली फिर से लौट आती है। हरे भरे जंगलों ने उस समय के विशाल शाकाहारी जानवरों को भारी मात्रा में खाना पहुँचाया, जिसके कारण इन जीवों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। हर तरफ बाइसन, हॉर्सेस, कैमल्स और मैमथ के झुंड चलते हुए नजर आते थे। और जायंट ग्राउंड स्लॉथ को आप भूलने की गलती ना करें, क्योंकि उस समय वह एकमात्र ऐसा शाकाहारी जीव था जिससे शक्तिशाली शिकारी भी खौफ खाते थे। क्योंकि उस समय इतने भयंकर शाकाहारी जानवर मौजूद थे तो उनका शिकार करने के लिए दानव के समान शिकारी भी हुआ करते थे। डायर वुल्व्स, आज के शेरों के पूर्वज अमेरिकन लायंस और सेबर टू टाइगर जैसे मांसाहारी जानवर हुआ करते थे, जो आज के मांसाहारी जीवों से कहीं ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली थे। लेकिन इन सभी शिकारियों में एक ऐसा जानवर मौजूद था जिसके सामने ये खतरनाक जीव भी कमजोर नजर आते थे। वे दानव और कोई नहीं बल्कि पहाड़ के समान शॉर्ट फेस बियर थे। उस समय के जंगल का एक सिंपल सा लॉ था, मारो या फिर मारे जाओ। और उस कठिन धरती पर जो जानवर बाकियों से सबसे आगे थे वो शॉर्ट फेस बियर था। वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनासोर के बाद शॉर्ट फेस बियर इस धरती पे चल चुके अब तक के सबसे विशाल मांसाहारी जानवर थे। कहते हैं कि हजारों साल पहले यह विशाल भालू एकमात्र ऐसे शिकारी थे जो किसी भी शाकाहारी जीव को मार गिराने की क्षमता रखते थे। चाहे घोड़े की रफ्तार हो, बाइसन की ताकत हो या फिर मैमथ का विशाल शरीर क्यों ना हो, हर कोई जीव शॉर्ट फेस बियर की ताकत के आगे घुटने टेक देता था। इन भालुओं का जबड़ा स्पेशली इस तरह से बना था जो कि इन्हें भयंकर बाइट फोर्स पहुंचाता था, और जब वे इन जबड़ों के साथ हमला करते थे तो शिकार के मांस को तो छोड़िए बल्कि हड्डी तक तोड़ डालते थे। वैज्ञानिक को इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि शॉर्ट फेस बियर अपने शिकार की हड्डियों को अपने जबड़े से तोड़कर उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स को भी खाया करते थे। यह भी एक कारण था कि यह भालू उस समय में मौजूद बाकी मांसाहारी शिकारियों से ज्यादा शक्तिशाली थे, क्योंकि किसी जीव के जबड़ों में इतनी ताकत नहीं थी कि वे हड्डियों को तोड़कर उसके अंदर के प्रोटीन्स को कंज्यूम कर सके। इन भालुओं की सबसे खतरनाक चीज इनका विशाल और भारी शरीर था। जब यह जीव अपने चार पैरों पर चलते थे तो इनकी लंबाई 6 फीट हुआ करती थी, और अगर दो पैरों पे खड़े हो जाते थे तो लंबाई 11 फीट तक पहुंच जाती थी। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन भालुओं के आगे हम कितने छोटे और कमजोर नजर आते। इन भालुओं का शरीर करीब 700 किलोग्राम भारी था, जो कि आज के मेल लायन के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। आपको जान के हैरानी होगी कि शॉर्ट फेस बियर के इतने विशाल शरीर के बावजूद भी वे आज के सबसे तेज भालू से भी ज्यादा तेज भागते थे। अगर आपको आज के भालू खतरनाक और विशाल लगते हैं तो इनके पूर्वज शॉर्ट फेस बियर महा खतरनाक और महा विशाल थे। यकीन मानिए, आज के समय का सबसे शक्तिशाली भालू भी 10,000 साल पहले के भालुओं के आगे बौना नजर आता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राइट में एक ब्लैक बियर का मुंह है, बीच वाला एक ग्रिजली बियर का, और लेफ्ट में रखी विशाल मुंह की हड्डी एक शॉर्ट फेस बियर की है। नॉर्थ अमेरिका में मिली इन भालुओं की हड्डी पे वैज्ञानिकों को अजीब और भयंकर चोट के निशान मिले हैं। ऐसे चोट के निशान जो कि उस भालू को तब लगे होंगे जब उसके किसी अन्य शक्तिशाली शिकार के साथ भयंकर युद्ध हुआ होगा। हड्डियों को बहुत ध्यान से पढ़ने पर वैज्ञानिकों को इसके पीछे का कारण समझ आ गया, और जो नतीजे उनके सामने आए उसने उनके होश उड़ा दिए, क्योंकि उस भालू को वो चोट पहुंचाने वाला और कोई नहीं बल्कि एक जायंट ग्राउंड स्लॉथ था। यह जानकारी इसलिए इतनी हैरान करने वाली थी क्योंकि उस शॉर्ट फेस बियर ने न केवल एक जायंट ग्राउंड स्लॉथ से युद्ध किया था बल्कि उसे मार के अपना शिकार बनाया था। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी शिकारी
जायंट ग्राउंड स्लॉट से लड़ने से घबराता था और इससे एक बात पक्का हो चुकी थी कि शॉर्ट फेस बियर एकमात्र ऐसे शिकारी थे जो जायंट ग्राउंड स्लॉट को भी मार के खाते थे। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक यह देख के भी हैरान थे कि इतने चोट के बाद भी वे भालू उस ग्राउंड स्लॉट को न केवल मारने में सफल रहा बल्कि दूसरे शिकारियों से भी बचाने में कामयाब रहा था। इससे यह भी पता चलता है कि शॉर्ट फेस बियर में गजब की हीलिंग पावर थी। इनका विशाल शरीर, ताकतवर जबड़ा, गजब का स्टैमिना और तलवार के समान पंजे इन्हें एक खतरनाक किलिंग मशीन बनाती थी। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने शॉर्ट फेस बियर को एकमात्र ऐसा शिकारी माना है जिसने उस समय के हर एक शाकाहारी जीव को अपना शिकार बनाया था। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसे उस समय का सबसे खतरनाक शिकारी में से एक माने जाने वाला सेबर टू टाइगर भी हासिल नहीं कर सका था। वैज्ञानिकों को कभी भी सेबर टू टाइगर के द्वारा जायंट ग्राउंड स्लॉट को मारने के सबूत नहीं मिले हैं। वहीं शॉर्ट फेस बियर उन स्लॉट को खाया करते थे, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि सेबर टू टाइगर शॉर्ट फेस बियर के सबसे बड़े दुश्मन थे और इनके बीच का युद्ध उस समय के जंगल का सबसे भयंकर युद्ध हुआ करता था। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि शॉर्ट फेस बियर सेबर टू टाइगर पे भारी पड़ते होंगे, क्योंकि साल 2009 में एक शॉर्ट फेस बियर की हड्डियों से यह पता चला था कि उस भालू ने एक सेबर टू टाइगर को अपना भोजन बनाया था। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट फेस बियर आज के भालू की तरह ही दूसरे जानवरों के द्वारा किए गए शिकार को छीनने के लिए जाने जाते थे और उसके लिए वे दूसरे मांसाहारी जीव को भी मौत के घाट उतार देते थे। इन भालुओं की खास बात यह थी कि इनके पैर एक कैमल की तरह लंबे और पतले थे। इतना ही नहीं, वे कैमल की तरह ही दौड़ते थे जिससे वे अपने शरीर की 70% एनर्जी बचा लिया करते थे। यही कारण था कि वे पूरे दिन बिना थके शिकार की तलाश में दौड़ लगा पाते थे। आज के समय में शॉर्ट फेस बियर से जुड़ी कई जानकारियां हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन एक बात जो वैज्ञानिक को आज भी परेशान करती है कि ये दानव के समान भालू अचानक इस धरती से विलुप्त कैसे हो गए। यह सवाल इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा माना जाता था कि शॉर्ट फेस बियर का शरीर बहुत ही एडाप्टिव था, जिसका मतलब है कि वे अपने आसपास के मौसम के बदलाव में बहुत ही आसानी से ढल जाते थे। इसलिए वैज्ञानिकों के सामने एक बात तो पक्की थी कि मौसम का बदलाव इनके एक्सटेंशन का कारण कभी नहीं हो सकती। वहीं दूसरे भालू जैसे ग्रिजली बियर और ब्लैक बियर उस समय सरवाइव कर गए और वे आज की तारीख तक जीवित हैं। तो आखिर इतना शक्तिशाली शिकारी किस कारण से अचानक खत्म हो गए? कुछ का मानना है कि इन भालुओं का सामना शायद उस समय के ऐसे शिकारियों से हुआ होगा जो भले ही इनसे कहीं छोटे और कम शक्तिशाली थे, लेकिन जंगल के किसी भी जीव को मारने में सक्षम थे। वे जीव और कोई नहीं बल्कि इंसान थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद इंसान ही इन भालुओं के एक्सटेंशन का कारण हो सकते हैं। इंसान उस समय इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि अगर शॉर्ट फेस बियर को मार दिया जाए तो उनके लिए दूसरे शाकाहारी जीवों को मारने का कंपटीशन बहुत हद तक कम हो जाता और शायद इसलिए वे किसी तरह से शॉर्ट फेस बियर को मार गिराया करते थे। हालांकि कभी भी इंसानों और शॉर्ट फेस बियर की भिड़ंत के सबूत नहीं मिले हैं और इतिहास के इतने खतरनाक शिकारी की मौत की गुत्थी आज भी अनसुलझी है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।